Hello everyone, welcome to Officers Academy online classes. So considering the importance of prelims exams and especially the closeness of UPPSC prelims, jo ki 15 December ko expected hai, we have launched our prelims courses. So this one is geography course, lecture 1, especially for prelims, jo kafi jyada important hai for UPPSC, MPPSC, BPSC and UPSC also. In सभी exams में, prelims में geography से जितने questions आते हैं, we will try to cover each and every question, each and every topic in very brief with some concepts also. Clear? So let's start geography prelims lecture 1. So let's firstly look at the syllabus, an overview of the syllabus. That is, we will study India as a geographical unit. We will study rock system based on geological history of India, Himalayan Range, Indo-Gangetic-Brahmaputra Plain, Peninsular Plateau, Coastline of India, Indian Islands, Drainage System of India, Indian Monsoons, Indian climate, natural vegetation of India, and biogeography, especially soils. These are some topics which we would cover in prelims. And we will try to cover almost all section for prelims point of view within 10 days. तो 10 दिनों में आने वाले 10 दिन में अगर आप अच्छे से फोकस करके पढ़ते हैं तो UPPCS या फिर अन्य राज्यों के जो PCS एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रीलिम्स से आने वाले लगभग सभी प्रश्न आप कवर कर सकेंगे इन वीडियोस को देखने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, पहला जो हमारा टॉपिक है, एकदम शुरू से हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं. तो पहले हम देख रहे हैं कि इंडिया को एक ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में कैसे देखा जाता है. सो यू नो, कैन यू सी द मैप ऑफ इंडिया एंड हियर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, जिनसे कई बार प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. और क्वेश्चंस ये जो आते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया का क्या पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इंडिया के. सो यू कैन सी हियर इन साउथ इट इज 8 मिनट 4 डिग्री नॉर्थ, इट इज 8 मिनट 4 डिग्री नॉर्थ. एंड इन नॉर्थ इट इज 37, इट इज 37 मिनट 6, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो ये 8 अंश 4 मिनट से शुरू करके 37 अंश 6 मिनट तक है नॉर्थ टू साउथ. और ईस्ट टू वेस्ट में ये है 68.7 से शुरू करके 97.25 तक. ध्यान रखने वाली इसमें दो बातें हैं. कई बार जब एग्जामिनर को एकदम सिंपल क्वेश्चन को ही ट्रिकी बनाना होता है, देन व्हाट द एग्जामिनर डज, एग्जामिनर आपको बोल देगा कि इंडिया ये 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से शुरू करके और 37.6 नॉर्थ तक है. तो आप ध्यान रखोगे कि ये दोनों ही नॉर्थ में है, भारत का कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है. तो ये 8 हो या 37 हो, दोनों ही नॉर्थ में है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट द सेम इन टर्म्स ऑफ इट्स ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच, सेम यही ईस्ट और वेस्ट के स्ट्रेच में है कि हमारा जो 68.7 है या फिर जो 97.25, अब इसको 97 डिग्री 25 मिनट पढ़े या 97.25 इन सिंपल वे, बोथ आर इन सिंपल वे. तो ये दोनों ही दोनों ईस्ट में है, इनमें से कोई भी वेस्ट में नहीं है. आपको ऐसा ना लगे कि 67 को हम वेस्ट में कर दें क्योंकि महाराष्ट्र या गुजरात हमारे वेस्ट में है और ये हमारे ईस्ट में है तो हम इधर ईस्ट कर दें. डोंट डू दैट. एग्जाम में ऐसा किया जाता है, एग्जामिनर्स करते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए. क्लियर? तो ये हमारा एक्सटेंशन है कि हम नॉर्थ टू साउथ कितना है और ईस्ट टू वेस्ट कितने हैं. हियर कम्स टू इंपॉर्टेंट पॉइंट.
फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर हम रफली ध्यान में रखें, रफली हाँ प्रीलिम्स में रफली चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपके पास एक रफ आइडिया हो. सो इन रफ सेंस हमारा ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है. वो लगभग कितने का है? 30 का है. और नॉर्थ साउथ भी हमारा लगभग 29 का है. तो आप अगर देखो तो लगभग लगभग दोनों बराबर हैं. जितना हमारा नॉर्थ टू साउथ का स्ट्रेच है लगभग लगभग उतना ही हमारा ईस्ट टू वेस्ट का स्ट्रेच है. तो नॉर्थ और साउथ लगभग 29 और ईस्ट वेस्ट लगभग 30, ऑलमोस्ट 30. क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगेन द सेम इमेज एंड हियर कम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो क्या है. सो दैट इज कॉल्ड पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट. ठीक है, कहां पे है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे है ये हमारा इंदिरा पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे का पॉइंट है हमारा. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दिस वन, इंदिरा पॉइंट. शो दिस वन हियर. एंड व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट? तो सदर्न मोस्ट तो इंदिरा पॉइंट था, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट है इंदिरा कोल. ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए जो आपकी हेल्प करेगा. मान लो कि एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो गए कि यार इंदिरा पॉइंट नॉर्थ में है या साउथ में, या इंदिरा कोल नॉर्थ में है या साउथ में. तो सिंपल है आपके लिए सॉल्यूशन, ये है जो कोल है ना, COL, इंदिरा कोल, आप इसमें डी जोड़ लो, कोल से बन गया कोल्ड. कोल्ड का मतलब ठंडा. तो भारत का नॉर्थ ठंडा होगा या साउथ? ऑब्वियस रीजन है, आपका जवाब होना चाहिए कि भारत में ठंडा कौन है कंपेरेटिवली, काश्मीर नॉर्थ. तो कोल वाला उत्तर में चला गया, तो जो दूसरा बचा इंदिरा पॉइंट वो अपने आप साउथ के लिए हो जाएगा. सो डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड इन एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम में ये छोटी छोटी कंफ्यूजन कई बार नेगेटिव मार्क्स लेके आती है हमारे लिए. श्योर, मूविंग नेक्स्ट. तो ये स्ट्रेच है, तो नॉर्थ साउथ का अगर हम किलोमीटर में देखें तो कितना है? 30 to 14 किलोमीटर. ठीक है, और ईस्ट वेस्ट का हमारा स्ट्रेच कितना है? 29 33 किलोमीटर. तो आप ध्यान से देखो तो आप इसे भी याद कर सकते हो यार कि रफली 3000 वो थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, एक रफ इमेज अगर आपके पास हो दिमाग में तो. श्योर, ओके. और इन टर्म्स ऑफ एरिया, टोटल एरिया की अगर हम बात करें पूरे विश्व में कि हमारा एरिया कितना है, देन इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के टर्म्स में हम 7th लार्जेस्ट हैं. आप एक बार ये फिगर भी देख लो कि कितना है. कई बार तो पूछा नहीं जाता, बट कभी कभी क्या होते हैं कि पीसीएस जैसे एग्जाम्स वो आपको एग्जैक्टली यही देके पूछ लेंगे, तो आपको पूरा याद हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, बट एक रफ आइडिया हो कि कितना है. तो 32, 87 to 63, श्योर, एक रफ आइडिया. तो अगर हमारा 7th लार्जेस्ट है तो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें हम कितने परसेंट हुए? उसमें हम हुए 2.4%. इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड के एरिया में हमारा एरिया कितना है? दैट इज 2.4%. एंड इट इज द लेस्ट. हियर कम्स, सो यू नो सबसे बड़ा कौन सा है? रसा है, रूस, यू नो वेरी वेल. देन इट इज कनाडा, एंड देन इट इज यूएसए. ठीक है, फिर चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर हमारा इंडिया है 7th पे. अब आपको एक और यहाँ पे मैं हेल्पफुल बात बता दूं जो आपकी हेल्प करेगा. यूएसए किस नंबर्स पे है? आप ध्यान से देखो, यूएसए है 3rd पे. तो आप याद रखना कि अभी वर्तमान में यूएसए दोनों तरीके से 3rd पे है. दोनों तरीके से मेरा यहाँ पे मतलब है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी यूएसए तीसरे पे है. नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 यूएसए. एरिया में भी यूएसए तीसरे पे है, नंबर 1 रसा, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए. तो अमेरिका आप किसी भी तरीके से देखोगे, जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पे, अमेरिका 3 पे ही मिलेगा आपको. श्योर, मूविंग नेक्स्ट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू टू लैटिट्यूडिनल हॉब्स. पता होगा कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लगभग लगभग भारत को दो भागों में डिवाइड कर देता है. आगे हम फिगर में देखेंगे कैसे करता है. और जो दो भाग हुए, एक नॉर्थ का और एक साउथ का, तो नॉर्थ वाले का एरिया साउथ के कंपैरिजन में लगभग डबल है. नॉर्थ का एरिया साउथ के कंपैरिजन में लगभग डबल है. आगे जब हम इमेज देखेंगे तब और आसानी से क्लियर होगा आपको. तो
अब ये आपके लिए बड़ा सिंपल पॉइंट है, ये लोगों को जब समझ में नहीं आता तो उसको रटते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस कितना होगा, तो टाइम डिफरेंस होता है दोनों के बीच में 2 घंटे का। कितने का? 2 आवर्स का। कैसे? अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप जानते रहो कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अगर डिफरेंस है तो 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस में 4 मिनट का अंतर आता है। और हमने अभी भी देखा था कि ईस्ट से वेस्ट हमारा लगभग 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 को 4 से गुणा कर दो कितना आएगा? 120 मिनट, मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर आता है गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश के टाइम में। इट इज यू नो यू कैन सी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो जा रही है लाइन, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में किसने स्टेट से ये पास होता है, तो देखो फर्स्ट गुजरात है, फिर आगे यहाँ पे आप देखो जहाँ पे सेकंड लिखा है तो ये बहुत थोड़ा सा टच करती है राजस्थान को, तो सेकंड राजस्थान हो गया। फिर आगे ये एमपी में तो पूरा का पूरा है ही है, तो आगे एमपी हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा ऊपर से टच करते हुए ये चली जा रही छत्तीसगढ़ को, आगे झारखंड बराबर है, फिर वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है, फिर इधर त्रिपुरा है और मिजोरम है। ध्यान रखने वाली बात आपके लिए है कि ये उड़ीसा में नहीं है, ये बिहार में नहीं है, ये उड़ीसा में नहीं है और बिहार में नहीं है, और राजस्थान में जरूर है, ठीक है। यही 3 गलतियां लोग कर देते हैं। तो 8 स्टेट्स हैं, उस 8 में बिहार इज नॉट देयर, ओडिशा इज नॉट देयर, बट राजस्थान इज देयर। कीप इन माइंड राजस्थान इज देयर। एंड कैन यू रिकॉग्नाइज दिस इमेज? व्हाट इज दिस? दिस इज आईएसटी लॉन्गिट्यूड। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड का मैं आपको बहुत ब्रीफ में एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे तो कुछ दिनों पहले मांग थी ये नॉर्थ ईस्ट वालों की, उन्होंने कहा कि हमको आप एक अलग टाइम जोन दो। अलग टाइम जोन इन द सेंस, जैसे अभी भी हमने देखा कि गुजरात और अरुणाचल में 2 घंटे का डिफरेंस है, तो जब गुजरात में 8 बजे होंगे तो अरुणाचल में कितना बजा होगा? 8 तो होगा नहीं, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग टाइम लेके चलेंगे क्या? ऑब्वियस है कि ये पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। हालांकि कुछ बड़े राष्ट्र ऐसा करते हैं, जैसे रूस करता है, कनाडा करते हैं, उनके डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। बट हमारे यहाँ क्या किया गया, हमारे यहाँ 82.5 को एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि हमारा ये औसत है और इसी का जो समय होगा पूरे भारत का समय वही माना जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, गुजरात और अरुणाचल को बैलेंस करने के लिए बीच में एक पॉइंट चुना जहां से दोनों के समय लगभग लगभग एक बराबर हो, और इसी को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का लॉन्गिट्यूड एग्जाम में पूछा जाता है। सो द लॉन्गिट्यूड इज रिटन हियर 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किन स्टेट्स से पास होता है, तो यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे देखो आप, ये यूपी से जा रहा है, फिर आप नीचे देखो ये क्या है हमारा, दिस वन इज या छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, और फिर क्या है ये ओडिशा है, और फिर क्या है ये आंध्र प्रदेश है। सो दीज आर स्टेट्स। अच्छा थोड़ा सा इधर एमपी भी टच कर रहा है क्या? I think so, ठीक है। तो ये केवल 5 स्टेट्स हैं जहां से ये पास करता है, बाकियों से ये नहीं पास कर रहा है, ठीक है। So Indian Standard Time कितना है ये? It is 82.5 degree east longitude है, और ये कहां पे पड़ता है? अगर इसके करीब में, सबसे करीब में देखें तो मिर्जापुर है इन उत्तर प्रदेश, that is very close to it। और अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में देखें तो हमारे टाइम में और बाकी देशों के टाइम में डिफरेंस को अगर हम मेजर करें, मापें, तो हमारा जीएमटी में प्लस 530 है। जीएमटी क्या होता है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो, जीएमटी इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। मान लो कि आपको टाइम सेट करना है तो कोई एक आपको मेजरमेंट या स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा जिसको आप जीरो मानोगे, और फिर वहां से आप बाकी चीजों को सेट करना शुरू करेंगे। तो लंदन में ग्रीनविच को जीरो माना गया है, तो उस लंदन के ग्रीनविच का जो टाइम है
उससे हमारे देश का टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है, प्लस 5:30 है। इसका मतलब अगर लंदन में इस समय 1 बजे हैं सुबह के, तो हमारे यहाँ इस समय सुबह के 6:30 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। तो कई बार प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि अमेरिका में 12 बजा है जो कि ग्रीन जीएमटी में +3 है, तो हमारे यहाँ +5.3 है या 5:30 है, तो कितना होगा? तो आप इनको इजिली कर सकते हो। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड डे लाइट सेविंग टाइम, या फिर इसको डीएसटी या समर टाइम भी बोलते हैं। अब डे लाइट सेविंग टाइम क्या है, ये प्रीलिम्स में यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब नाम बता रहा है इसका कि हम क्या कर रहे हैं, हम डे लाइट को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डे लाइट सेविंग टाइम। सो डे लाइट सेविंग टाइम में हम करते क्या है, व्हाट वी डू, वी ट्राई टू सेव एनर्जी, वी ट्राई टू सेव डे लाइट। हाउ, लेट मी टेल यू हाउ। मान लो कि गर्मी का समय है, या पहले ठंडी पे देखते हैं, आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं, तो ठंडियों में देखो 10 बज गए, ठीक है, पता नहीं चलता आप ऑफिस गए 10 बजे गए, ठीक है। बट अब जब 10 बजे गर्मियों में ऑफिस जाते हो, तो लगता है कि 10 बजे दोपहर सी हो गई, इतनी ज्यादा धूप हो जाती है, इतना ज्यादा सनलाइट आ जाता है। और हमें तो चूंकि ऑफिस 10 ही बजे जाना है, तो शुरू का जो 6 बजे ही जो सूर्य निकल आया, जो 5 ही बजे से सुबह हो गई, वो टाइम हम यूज नहीं कर पाते। और उधर जाके हम रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक जो लेट ऑफिस में काम करने वाले हैं, वो बिजली का बल्ब जलाएंगे या फिर और कुछ यूज करेंगे। मीन्स उधर जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है, हम उसको वेस्ट करेंगे, हम उसका यूज करेंगे। और इधर जो हमारे पास सनलाइट थी, हम गए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑफिस 10 बजे जाना था और 10 अभी बजे नहीं है। तो कुछ देशों में ये किया जाता है, ऑलमोस्ट लगभग 35-40% देश हैं दुनिया के, दे फॉलो दिस डे लाइट टाइम सेविंग। इस डे लाइट टाइम सेविंग में वो करते क्या है, द क्लॉक्स फॉरवर्ड 1 आवर फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरिंग समर। वो गर्मी के समय में अपने क्लॉक को 1 घंटे आगे बढ़ा देते हैं, 1 घंटे आगे बढ़ा देते हैं। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूं। जैसे कि मान लो 1 बजे है सुबह के, ठीक है, 1 AM है, तो फिर वो करेंगे क्या, अब 1 के बाद क्या बचना चाहिए? ऑब्वियस है, अगर 1 हो गया है तो 1 के बाद अगला नंबर आएगा कि 2 AM बजेगा, 2 बजेंगे। वो ऐसा नहीं करते, वो 1 के बाद डायरेक्ट 3 AM पे आ जाते हैं। ये जरूरी कि 1 से ही हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो 1 के बाद डायरेक्ट क्या बज गए, 3 बज गए, ठीक। इससे क्या हुआ, बीच का 1 घंटे कम हो गया। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जैसे कि अगर 2 से चलते 1 2 3 4, तो मान लो कि इस समय 9 बजे हैं, 9 बजते, लेकिन चूंकि इन्होंने बीच में 1 घंटे स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो अब जब 9 बजे होंगे, उस समय उनकी घड़ी क्या दिखा रही होगी कि 10 बज गए। आप बात समझ पा रहे हो मेरी? कोई ऐसा है जिसकी घड़ी का टाइम 1 घंटे नहीं बढ़ाया गया, तो उसकी घड़ी में तो 9 ही दिखाएगा, बट आपने 1 घंटे चूंकि बढ़ा लिया है, तो आपकी घड़ी में 10 दिखाएगा। और आपको ऑफिस 10 बजे जाना है, तो वास्तव में आप 1 घंटे पहले ही ऑफिस चले जाते हो और आप ज्यादा काम करते हो, ठीक है। अब आपको ये लग सकता होगा कि उधर छुट्टी भी तो जल्दी हो जाती है, बात सही है, जल्दी हो जाती है, लेकिन जो लोग लेट तक काम करने वाले हैं, वो लंबे समय तक काम करते हैं और बिजली बल्ब का यूज ना करके सनलाइट का यूज करते हैं, ताकि बाकी की एनर्जी को हम बचा सकें। इसी को बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। तो डे लाइट सेविंग टाइम में करते क्या है, घड़ी को गर्मियों में 1 घंटे बढ़ा देते हैं और ठंडियों में 1 घंटे कम कर लेते हैं। तो गर्मी में हमने क्या किया, 1 बजने के बाद हम डायरेक्ट 3 पे आ गए। ठंडियों में हम करेंगे इसको 1 घंटे पीछे कर देंगे, मतलब जो 3 था हम इसको फिर से 2 कर देंगे, मतलब हम ठंडियों में फिर वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। तो गर्मी शुरू होती है तो 1 घंटे बढ़ा लेंगे, कम होगी तो 1 घंटे कम करके फिर उसी पे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डे लाइट सेविंग टाइम। मेनी कंट्रीज ऑब्जर्व दिस, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ डे लाइट सेविंग टाइम जैसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता है। एक बार हमने, दो बार शायद किया भी था, आई थिंक 1962 में चाइना, इंडो चाइना वार के समय हमने डे लाइट सेविंग टाइम कॉन्सेप्ट का यूज किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज फ्रंटियर्स। हमारे बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन से हैं, बॉर्डर नेशंस कौन कौन से हैं। सो हमारी जो बाउंड्री है, हमारा जो लैंड बॉर्डर है, बाउंड्री इन द सेंस लैंड बॉर्डर, ये कितना है, ये लगभग रफली में आप याद करो तो 15,000 रख लेना,
ठीक है, ये 15106.7 किलोमीटर है, लगभग 15,000 है, ठीक है, हमारी लैंड बॉर्डर। और हमारा जो कोस्ट लाइन बॉर्डर है वो लगभग 7,500 है। अब ध्यान से देखो तो इसका ठीक आधा, ठीक एकदम ध्यान रखना कि 15,000 लैंड का है, आधा कर दो तो कोस्ट लाइन का हो गया लगभग 7,500। श्योर? लगभग। ये सारे लगभग वाले ट्रिक्स प्रीलिम्स एग्जाम्स में बहुत हेल्प करते हैं, बिलीव मी। तो ये हमारे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली एंड हरियाणा। इनको छोड़ के बाकी हमारे जितने भी स्टेट्स बच रहे सभी के साथ या तो इंटरनेशनल बॉर्डर है या तो कोस्ट लाइन है। केवल यही है ऐसे हमारे स्टेट्स या एक दिल्ली यूटी जिनके साथ ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और ना ही कोस्ट लाइन है। और हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ है? दैट इज विद बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ है? दैट इज विद अफगानिस्तान। अब ये देखो बचपन लिखा है, अब आप सोच रहे होगे कि व्हाट इज बचपन। सो इट इज अ एक्रोनिम, एक्रोनिम है कि हमारा लैंड बॉर्डर सबसे बड़ा किसके साथ है, उसका एक ये ऑर्डर है। तो बा से बांग्लादेश, चा चाइना, पा पाकिस्तान, ना नेपाल। ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है, फिर चाइना से है, फिर पाकिस्तान से है, फिर नेपाल से है। मान लो कि अगर हमें ऑर्डर में रखना हो कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ है, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, तो बचपन याद रखो। हाँ, हियर बॉर्डर विद चाइना सेकंड है, अभी भी हमने डिसाइड किया, अभी भी पढ़ा कि सबसे पहला द फर्स्ट वन इज विद बांग्लादेश, सो ऑब्वियसली द सेकंड इज विद चाइना। कितना है? 4056 किलोमीटर। याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग मेंस आंसर, वैल्यू एडिशन का काम करेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। 4056 किलोमीटर। कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं जो चाइना से बॉर्डर करते हैं? तो फाइव स्टेट्स हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर पता ही है ऊपर का, उसके नीचे आ गए हिमाचल प्रदेश पता है, नीचे आया उत्तराखंड है, फिर इधर साइड में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। दीज आर फाइव स्टेट्स। तो अगर हम अपना चाइना के साथ बॉर्डर को डिवाइड करें तो हमारे बॉर्डर्स को मेनली तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक वेस्टर्न, एक मिडिल सेक्टर और एक ईस्टर्न सेक्टर। ये तीनों क्या है ब्रीफ में देख लेते हैं। लुक दिस वन, वेस्टर्न सेक्टर, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर वाला, दिस वन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न सेक्टर, इसी को हम एलएसी भी बोलते हैं। ये किसको अलग करता है? एक तरफ हमारा कश्मीर का क्षेत्र है, दूसरी तरफ चाइना का शिनजियांग प्रांत है, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा चर्चा में रहता है। क्यों? क्योंकि चाइना यहाँ पे मानवाधिकार का खूब हनन करता है, लोगों को कैंप में रखता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। तो शिनजियांग चाइना का और हमारा जम्मू कश्मीर, इसी को एलएसी बोलते हैं। अब आप मैप ध्यान से देखो तो हमारा मैप यहां तक का है, ये वाला, ठीक है। इसको अलग से करने का मतलब यह है कि वर्तमान में जो ये क्षेत्र है जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, इस पे चाइना का कंट्रोल है, इस पे वर्तमान में हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बट ये है हमारा पार्ट, सो कीप इन माइंड। नाउ इट टॉक्स अबाउट मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर बोलते हैं ये वाला जो पोर्शन है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इसको क्या बोलते हैं? मिडिल सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर, ये जो ईस्ट है पूरा, यहाँ पे आपका ये ईस्टर्न है, अरुणाचल का पूरा भाग, दिस वन, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न। कहाँ तक है ये डिफू पास तक है, डिफू दर्रा। डिफू दर्रा ध्यान रखेंगे, डिफू दर्रा कहाँ पे है? डिफू दर्रा इज समवेयर हियर, लगभग कुछ इस प्लेस पे है जहां पे इंडिया, चाइना और म्यांमार तीनों मिलते हैं, ठीक है, डिफू पास। सो इंडिया चाइना रन फ्रॉम द ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान टू अ पॉइंट नियर डिफू पास एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, तिब्बत एंड म्यांमार। तिब्बत वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, बट आई थिंक नाउ यू कैन से इट चाइना। और इसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो आप ध्यान रखोगे जो हमारा वेस्टर्न था वो एलएसी था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो ईस्टर्न वाला है दिस इज कॉल्ड मैकमोहन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉर्डर विद नेपाल। फाइव स्टेट्स आर देयर, कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अब ध्यान रखना लोग वेस्ट बंगाल को भूल जाते हैं, हाँ लोग सिक्किम बता देते हैं, बाकी के बता देते हैं, बट जनरली दे फॉरगेट दिस वन रीजन, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट भी मैच करता है। सो
अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता ही होंगी कि ये पोरस बॉर्डर है। पोरस मतलब इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा आसानी से हो जाती है गुड्स और पीपल के, और इसीलिए कई बार इसको देखा जाता है कि नेपाल बॉर्डर का यूज करके क्रिमिनल्स या फिर ब्लैक मार्केटिंग के ऑब्जेक्ट्स इंडिया में लाए जाते हैं। पूरा का पूरा शिवालिक फुटहिल्स में है। लेट्स टॉक अबाउट इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ये हमारे पार्टीशन की वजह से हुआ। रेडक्लिफ ने ऐसा किया था जो चेयरमैन थे, और इसलिए इसको रेडक्लिफ अवार्ड बोलते हैं। तो डिस्प्यूटेड रीजन पता ही है, जम्मू कश्मीर है और सर क्रीक है। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। जम्मू कश्मीर में है, यू नो वेरी वेल, एंड सर क्रीक इज इन गुजरात। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो हमारा ये सबसे बड़ा है, 40096। याद है चाइना के साथ कितना था? 4056 था, और ये 96 है, मतलब केवल 40 किलोमीटर का डिफरेंस है, नहीं तो चाइना का बॉर्डर सबसे बड़ा होता था। सो इट इज 4096, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, लैंड बॉर्डर, एंड अगेन इट इज ऑल्सो रेडक्लिफ, क्योंकि ये पाकिस्तान ही था पहले, और पाकिस्तान के साथ हमारा रेडक्लिफ वाला डिवीजन हुआ था, तो इट इज ऑब्वियसली रेडक्लिफ अवार्ड। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया म्यांमार बाउंड्री। तो इंडिया म्यांमार बाउंड्री जो है, ये एक्चुअल में बॉर्डर कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर, और दूसरा म्यांमार की है इरावडी रिवर। ये दोनों बॉर्डर का काम करती हैं, और ये काफी ज्यादा फॉरेस्ट बॉर्डर है, फॉरेस्ट रीजन का है। हमारी तरफ में इंडियन साइड में मिजो हिल्स हैं, मिजोरम में, मणिपुर में मणिपुर हिल्स हैं, नागालैंड में नागा हिल्स हैं, और म्यांमार की तरफ चिन हिल्स, नागा हिल्स, कचिन हिल्स, ये सब म्यांमार में है। म्यांमार के लिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा याद रखोगे, दैट इज आसियान, जिसमें 10 देश हैं, उनमें म्यांमार इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ हमारे लैंड बॉर्डर है। मतलब अगर आप किसी को कह सकते हो कि गेटवे टू आसियान, दैट इज म्यांमार। सो म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फॉर इंडिया आसियान रिलेशंस एंड अदर स्टफ। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट। सो नाउ इट्स अबाउट इंडिया श्रीलंका बाउंड्री। सो इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? दैट इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब जल संधि होती है, इसका नाम पाक है। तो कई बार जिन्होंने पढ़ा नहीं होता वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक स्ट्रेट है तो पाकिस्तान है क्या? बट डोंट गेट इट रॉन्ग, हाँ कंफ्यूज मत होना। पाक स्ट्रेट, अब देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, हाँ ये दिख रहा है पाक स्ट्रेट, दिस वन, हियर, श्योर, दैट इज पाक स्ट्रेट। तो भारत की तरफ का कौन सा क्षेत्र है जो करीब में है? दैट इज धनुषकोडी। और श्रीलंका की तरफ कौन सा है? श्रीलंका की तरफ जाफना है। ठीक है, और दोनों को जो जोड़ता है ब्रिज, उसको क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज या राम सेतु। आप देखो ये दिख रहा होगा, ये एडम्स ब्रिज या राम सेतु। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा रामेश्वरम है। और एक दो और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ये जो एडम्स ब्रिज है उसके इस दिशा में मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पे पाक बे है, पाक की खाड़ी, ठीक है, और इधर ये मन्नार की है जहां पे मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सो इट वाज ऑल अबाउट इंडिया श्रीलंका बाउंड्री। सो थैंक यू फॉर दिस वन, नेक्स्ट टाइम वी विल कम वेरी सून फॉर अनदर लेसन। थैंक यू।